हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। उसके एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th को देखने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है मैं समझा देता हूँ। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, उसमें ये एक लाइन है पी क्यू और ये एक लाइन है एस डी। ठीक है, तो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लाइन हमने बना ली पी क्यू और ऊपर एक लाइन है एस टी। तो आपसे ये कहा है कि ये दोनों लाइन समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, फिर इस फिगर को आगे कैसे ड्रॉ किया गया है, इस टाइप से। फिर यहां से एक वी बनाया है, ये फिगर आपका बन गया। इसमें जो ये वाला एंगल है ये 110 डिग्री दे रखा है और ये 130 डिग्री दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि ये जो आपके पास क्यू आर एस है, दिख रहा है क्यू आर एस, ये आर है तो ये है क्यू, फिर ये आर, फिर ये एस। तो आपको जो क्यू आर एस एंगल है वो फाइंड आउट करना है। ये रहा क्यू आर एस, ये आपको निकालना है। तो बच्चों, अगर हम ये फिगर को ऐसे ही ले लें तो फिर ये वाला एंगल हम निकाल नहीं सकेंगे। तो उसका हमारे पास तरीका क्या है कि हम अपनी तरफ से ना एक लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। अपनी तरफ से क्या करोगे आप, लाइन बनाओगे जो ये आर को छूता हुआ निकलेगा। और क्या खासियत होनी चाहिए, पहले तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो बिल्कुल आर को टच करता हुआ जाएगा, सीधे निकल जाएगा। और इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर एम रख लिया और इसको क्यू रख लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने जो लाइन यहां पर बनाई है वो है लाइन एम आर क्यू। तो इस लाइन की एक तो खासियत यह है कि यह आर पॉइंट को टच करता हुआ गया, और दूसरी खासियत क्या है वो आप समझ लें। आपको पहले से ही दे रखा था कि ये लाइन जो है इस वाली लाइन के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। क्वेश्चन में दे रखा था, आप ये देखें, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। हिंदी में बोले तो पी क्यू ये समांतर का चिन्ह है, एस टी के समांतर है, एस टी के पैरेलल है। तो ये जो हमारे पास पी क्यू है ये क्योंकि एस टी के पैरेलल दिया हुआ है, तो हमने जो लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ की है ना, ये भी क्या है, इन दोनों के पैरेलल है। तो ये जो लाइन एम आर है वो इसके पैरेलल मान लो, आर क्यू है वो इसके पैरेलल हो गई। तो इस तरीके से ये तीनों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। तो यही फिगर मैंने नीचे भी बना दिया। तो क्योंकि तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है तो इसका नाम मैं वन रख लेता हूं। अब ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उस फिगर में आप एक तो जेड ढूंढा करो और दूसरा आपको क्या ढूंढना होता है, सी। सीधा सी हो सकता है या उल्टा सी हो सकता है। Z में ये जो कोने वाले एंगल होते हैं इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हिंदी में इनको कहते हैं, इन दोनों कोणों को बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। Z ऐसा भी बन सकता है, Z इस टाइप का भी बन सकता है, Z इस टाइप का भी बन सकता है, उल्टा Z भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें भी ये जो कोने वाले कोण होते हैं, कोने वाले जो एंगल्स होते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण। और क्योंकि क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है, पैरेलल है, इसलिए ये एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। क्योंकि ये इसके समांतर है इसीलिए ये एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, इक्वल भी हों, बराबर होंगे, इक्वल। क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल भी होंगे, बराबर भी। ये इसके समांतर है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे और ये एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। लेकिन जब तुम सी देखते हो यहां पर, जैसे ये सी बन रहा है, तो इसमें देखो ये इसके समांतर है, पैरेलल है, तो इसके जो ये अंदर वाले कोण होते हैं ना, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है, और इन कोणों को बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स, हिंदी में बोले तो अंतःकोण। ऐसे यहां पर भी ये सी बन रहा है, क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये जो अंतःकोण है ना, इन दोनों का जो जोड़ है 180 डिग्री होता है जब ये इसके समांतर होता है। तो क्वेश्चन में आते हैं, देखो बेटा ये जो लाइन है इस वाली लाइन की क्या है, समांतर है, पैरेलल है।
तो आपको यहां पर सी बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? देखो ये बन रहा है, उल्टा सी बन रहा है बेशक, है ना? तो एक कोण तो ये हो गया अंतःकोण, और इसी के साथ एक कोण ये भी है अंतःकोण, इसका नाम मैं टू रख लेता हूं। तो 110 और 2 जो है अंतःकोण हो गए, और इनका जोड़ हमें 180 डिग्री रखना है। तो हम लिखेंगे 110 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन हमें यहां पर क्या लिखना है, हमें रीजन लिखना है अंतःकोण, और इंग्लिश में हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया आपको? अब सॉल्व कैसे करना है, आसान है, इसको यहां लेकर आओ। तो एंगल 2 इक्वल हो गया 180 माइनस 110, एंगल 2 इक्वल हो गया, इन दोनों को माइनस करो 70, तो अब आप देख सकते हो कि एंगल 2 हमें मिल चुका है। अब हम आते हैं अगले पे, यहां पर तुम्हें एक और सी बनता हुआ दिखाई देगा, जरा देखो, ये सी दिख रहा है। सी आपको तब दिखना है जब आपके पास ये दोनों जो लाइंस हैं समांतर दे रखी हैं। तो हमने क्या कर रखा है, ये जो दो लाइंस है ना, ये हमारे पास समांतर है। क्यों समांतर है, पहले से तो ये वाली लाइन तो पहले से बनी हुई नहीं थी, हमने खुद बनाई है, तो हमने मान के चले थे कि ये इसके क्या है, समांतर। तो समांतर है तो सी देखना है, तो देखो सी बन रहा है, ये देखो ये बन गया सी, ये तो इस सी के अंदर एक कोण 130 डिग्री तो अंतःकोण हो गया, एक और एंगल यहां पर 3 ले लेते हैं, ये भी क्या हो गया, अंतःकोण। तो 130 और एंगल 3 ये दोनों के दोनों अंतःकोण है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, एंगल 3 और 130 इन दोनों का जोड़ यहां पर होगा 180 डिग्री। इसको यहां पर लेके जाएंगे, और रीजन क्या देंगे भाई, रीजन यही वाला पूरा रीजन यही लिख देना, क्या लिखोगे, अंतःकोण, और इंग्लिश में लिखोगे इंटीरियर एंगल्स। अब सॉल्व करते हैं, एंगल 3 तो यही रहा, तो 180 माइनस 130 हो गया, तो एंगल 3 कितना आ गया, इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो ये आ गया शायद 50 आ गया, माइनस करके आप भी देख लेना, तो हमारे पास एंगल 3 कितना आ गया, 50 आ गया। अब इसके बाद की चीजें आसान हो गई है हमारे लिए। अब आपको देखो ये एक सीधी लाइन है, दिख रहा होगा मैंने इस बार ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये सीधी लाइन है। इस सीधी लाइन पर तीन कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये एंगल 2, एक बन रहा है एंगल 1, एक बन रहा है एंगल 3। तो किसी सीधी लाइन पर जब तीन कोण बन रहे हैं, जो कि यहां पर 2 बन रहा है, 1 बन रहा है, 3 बन रहा है, तो इन तीनों का जोड़ जो है 180 डिग्री होगा। किसी सीधी लाइन पर बनने वाले तीनों के तीनों कोण या जितने भी कोण बन रहे हैं उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, या तो यहां पर लिख दो कि क्या नाम दिया था हमने इसको, एम क्यू नाम दिया था ना इस लाइन का, तो आप लिख लो कि एम आर क्यू जो है एक सीधी रेखा है, यहां पर लिख दो एम आर क्यू एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, इंग्लिश में लिख दो एम आर क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें पता है, एंगल 2 तो हमने निकाल लिया है 70, एंगल 2 की जगह हम 70 रख लेते हैं, एंगल 1 हमें निकालना है, एंगल 3 की जगह हमने कितना रख लिया 50 इक्वल टू 180, तो 70 को 50 के साथ पहले जोड़ लो, कितना आ गया 120 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। 120 को यहां लेकर जाओ तो एंगल 1 इक्वल आ गया 180 माइनस 120, एंगल 1 कितना आ गया, ये 60 आ गया। तो इस तरीके से हमें एंगल 1 निकालने के लिए कहा था, जिसका नाम क्वेश्चन में था क्यू आर एस, एंगल 1 का नाम क्या था, क्यू आर एस, और हमने क्यू आर एस कितना निकाल लिया, 60 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।